हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे कि एग्जांपल के थ्रू एक्सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी इंटायर एक्सपोर्ट एक्टिविटी हम आज के सेशन में ब्रीफली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक परचेज ऑर्डर आता है, ठीक है, जो भी हम गुड्स हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी को पसंद आता है तो फिर वो हमें एक परचेज ऑर्डर भेजता है, मींस कि वो हमसे खरीदने के लिए एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, परचेज ऑर्डर तब प्रिपेयर होगा जब हम उसको पीआई देंगे, परफॉर्मा इनवॉइस देंगे। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवॉइस में क्या होगा कि हम हमारी टर्म एंड कंडीशंस उसमें शेयर करेंगे उससे। ठीक है, तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या रखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हमारी, हम क्या पेमेंट टर्म रखना चाहते हैं, ठीक है, हम पेमेंट उससे कैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि जो डील है वो उससे पेमेंट हमें लेनी है, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डिसाइड हियर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ थिंग हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हम पेमेंट टर्म में हो सके तो एडवांस रखने की कोशिश करेंगे या फिर FOB रखेंगे। ठीक है, या एडवांस रखेंगे या फिर 90 days फ्रॉम BL डेट रखेंगे, जो भी हमारे लिए बेस्ट होगी, हम अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें बेस्ट प्रीफर करती है या प्रीवियस शिपमेंट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पेमेंट टर्म्स होगी वो रखेंगे, और जो बेस्ट इनको टर्म्स होगी वो हम अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करके रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, हमने अपना परचेज ऑर्डर, हमने अपना परफॉर्मा इनवॉइस प्रिपेयर कर लिया, उसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स निगोशिएट की, हमारे हमारा जो बायर है उससे हमने निगोशिएट की, और नेगोशिएट होने के बाद हमने परफॉर्मा इनवॉइस उनसे शेयर किया। ठीक है, और हमारी डील होने के बाद जब उन्होंने हमें परफॉर्मा इनवॉइस को चेक एंड वेरीफाई करने के बाद उन्होंने हमें परचेज ऑर्डर दिया। ठीक है, अब परचेज ऑर्डर आ गया हमारे पास, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास एक डील फाइनल हो गई हमारी, जिसमें हमने अपने जो शिपमेंट की टर्म्स रखी CIF, ओके, क्योंकि FOB भी रख सकते थे लेकिन हमारी डील CIF पे हुई, तो CIF के अकॉर्डिंग हमें अरेंजमेंट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा वर्क रहेगा कि हम अपने CHS से रेट लें कि भाई हमें ये गुड्स इस पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक भेजने हैं या इस डेस्टिनेशन को भेजने हैं, आप हमें अपना फ्रेट दीजिए, फ्रेट दीजिए कि आप कितना फ्रेट लोगे, और अपने CHS से बोलेंगे कि आप कितना कस्टम क्लियरेंस लोगे, ये सारी डिटेल्स हम अपने ईमेल पे लेंगे और उसके बेस पे हम कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट पता पड़ गया, फ्रेट पता पड़ गया, क्लियरेंस का चार्जेस पता पड़ गया, और हमारे एक्चुअल गुड्स की जो वैल्यू है वो पता पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या है कि हमें जो कमर्शियल इनवॉइस प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले हमने गुड्स की जो कॉस्ट है एक्चुअल, वो कॉस्ट प्लस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे हैं टिल पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि हमारी शिपमेंट टर्म है वो CIF है, तो CIF के केस में क्या करते हैं हम, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक के जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो हमें अपनी कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन करने हैं, और वो हमें हमारे बायर से क्लेम करने हैं, मतलब हमारे जो बायर है उससे पेमेंट में लेने हैं। तो यहाँ पे हम FOB वैल्यू डिक्लेयर करेंगे कमर्शियल इनवॉइस पे, प्लस फ्रेट डिक्लेयर करेंगे और एक इंश्योरेंस करेंगे, तो ये तीनों एक्सपेंसेस कमर्शियल में तीन कॉलम में अलग अलग बनाएंगे, कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स वो आपकी FOB कंसीडर कर सकते हो, इसके बाद आपका होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड में, अगर FOB की बात करें तो उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस आपको लेने की, जैसे पैकिंग का खर्चा क्या, कस्टम क्लियरेंस का कितना हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, या फिर आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो, प्लस आप गुड्स की कॉस्ट है वो आपको अपने सप्लायर से एज ए FOB टर्म मेंशन करके लेनी है, सारे खर्चे मतलब उसमें जोड़ने हैं, ऐसा नहीं कि आपके जो एक्चुअल गुड्स कॉस्ट की है वही आपने बिल में लगा के दे दी, तो फिर ये एक्सपेंसेस से आपकी शिपमेंट जो है वो माइनस में चली जाएगी, मीन्स कि आप उसमें प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, लॉस में चली जाएगी आपकी शिपमेंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कमर्शियल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बनाने का तरीका होगा एक्चुअल गुड्स ऑफ द कॉस्ट प्लस आपके एक्सपेंसेस ऑफ द पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, एंड इफ कॉन्कर चार्जेस तो वो आपका रेल फ्रेट चार्जेस, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के चार्जेस एक्सपेंस हो गए, FOB वैल्यू होगी, इसके बाद आपका इंश्योरेंस कितना लगा उस
उसकी सीआईए वैल्यू पे 110% का वो आपका उसमें जुड़ेगा, और आपका फ्रेट क्या लगा। तो ये सारे बना के हम कमर्शियल नोट्स बना के गुड्स को डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारा सप्लायर था वो हमें अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी, सॉरी हमारा जो सीएचए है, हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डर है, वो हमें अरेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने शिपमेंट की जो टर्म रखी है वो क्या है, सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो इसलिए जो हमारा सीएचए फ्रेट फॉरवर्डर होगा वो हमारी तरफ से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये गुड्स फाइनली हमारा जो सीएचए फ्रेट फॉरवर्डर वो कहाँ तक पहुंचाएगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक। अब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या जो भी आपकी सीआईएफ टर्म्स जो डिक्लेयर हुई है वहां तक। अब वहां के बाद के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपका इंपोर्टर बियर करेगा, जैसे कस्टम क्लियरेंस हो गया, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ठीक है, एजेंसी चार्जेस हो गए, जो वहां का लोकल उनका इंपोर्टर होगा, उनका जो सीएचए होगा, तो ये चार्जेस वो खुद अपना बियर करेगा, और इधर का हमारे सीआई वैल्यू जो हमने इंक्लूड की कमर्शियल नोट्स में वो हमें देगा, ठीक है। तो अब देखने की बात ये है कि ये शिपमेंट जाएगी कैसे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास परचेस ऑर्डर आया था उसके बेसिस पे हमने गुड्स डिस्पैच कर दिए, गुड्स डिस्पैच होने के बाद हमने डिस्पैच की ये गुड्स आपका गुड्स डिस्पैच हो गए और एग्जामिनेशन होने के बाद ये शिप पे लग गए और बिल ऑफ लेडिंग हमें मिल गया, ठीक है। तो जो हमारा फ्रेट फॉरवर्डर है उसने हमें जो बिल ऑफ लेडिंग दिया, उसके बेसिस पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बायर से वो डॉक्यूमेंट हमने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके बैंक में लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे गुड्स पैकिंग हो गए और बैंक में हमने डॉक्यूमेंट लगा दिए, अब क्या होगा, जो एज पर टर्म हमने डिसाइड की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 90 days फ्रॉम द BL डिसाइड की थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो BL डेट है उसके 90 days के बाद हमारे पास पेमेंट आएगी। या फॉर एग्जाम्पल हम अगर एडवांस पेमेंट करते हैं तो गुड्स के डिस्पैच करने से पहले ही पेमेंट आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स एज पर पेमेंट टर्म्स हमारे अकाउंट में पेमेंट आएगी, ठीक है, एडवांस हो या 90 days हो या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट टर्म्स, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट हो, तो ये सबसे बेस्ट टर्म्स मानी जाती है, एडवांस और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। मीन्स की जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे इंपोर्टर पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर ये होगा कि आपके जैसे गए हमने यहाँ से सेट ऑफ डॉक्यूमेंट अपने बैंक में जमा कराए, ठीक है, बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को कंसाइनी के बैंक में सबमिट करेगी, ठीक है, और कंसाइनी क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को इंपोर्टर को देने से पहले पेमेंट ले लेगा कंसाइनी की बैंक मीन्स, ठीक है। तो कंसाइनी की बैंक क्या करेगी, इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट देने से पहले पेमेंट ले लेगी, तो इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम आपकी 90 days वाली की पेमेंट टर्म्स की, तो उसमें नॉर्मली आपका 90 days में पेमेंट आ जाएगी जो भी एक्सेप्टेंस आपका हुआ, ठीक है। तो ये पेमेंट प्रोसीजर है। अब हमें करना क्या है, वहां पे हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दिया, हमने यहाँ से गुड डिस्पैच कर दिए और हमने डॉक्यूमेंट सेट बना के हमने बैंक में जमा कर दिया पेमेंट के लिए, एज पर पेमेंट टर्म्स हमारी पेमेंट आ गई, ठीक है। अब वहाँ इंपोर्टर कंट्री में इंपोर्टर क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट उसने पेमेंट करके बैंक से जो छुड़वाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे वो गुड्स की डिलीवरी ऑर्डर लेगा फ्रॉम द शिपिंग लाइन, ठीक है। जैसे इसके पास गुड्स की डिलीवरी आ जाएगी वो अपने गुड्स को अपनी फैक्ट्री में लगवाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो बड़ी ध्यान से हमें करनी होती है। एक तो होता है कि जब एक्सपोर्ट के टाइम आप अपनी चेकलिस्ट फाइल कर रहे हो तो उस टाइम हमें चेकलिस्ट प्रॉपरली अप्रूव करनी है, HS कोड देखना है, ठीक है, ADD कोड देखने है, ये सारी चीजें हमें उस टाइम प्रॉपरली चेक करनी है, ठीक है। तो ये मेन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस टू टाइप के होते हैं, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट जो आपका चेकलिस्ट अप्रूवल हो गया, BL ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, ये एक्टिविटी आती है। तो प्री शिपमेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे चेक एंड वेरीफाई होते हैं। तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर फॉर द कस्टम क्लियरेंस इज कॉल्ड प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट, एंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट वी नीड टू सबमिट इन द बैंक फॉर पेमेंट इज कॉल्ड द पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, मीन आफ्टर शिपमेंट डिस्पैच इज कॉल्ड द पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पे इन चीजों को हमें समझना है। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है वो डॉक्यूमेंटेशन टीम देख दी है, इसमें हम ये पूरी एक्टिविटीज इंटायर एक्टिविटी हम अपने टीम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक डिस्पैच टीम होती है, दूसरी बैंकिंग टीम होती है,
ठीक है, और फाइनेंस टीम होती है जो पेमेंट करवाती है, इसके अलावा और भी टीम्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन टीम्स होती है, ठीक है, तो ये टीम्स मिलके इस पूरी वर्क को एक्टिविटी को हैंडल करते हैं, ठीक है, एक पैकिंग टीम होती है, एक प्रोडक्शन टीम होती है, ये पूरी इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है और इस प्रकार से एक्सपोर्ट की इंटायर एक्टिविटी हैंडल होती है। अब पोस्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये जब गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, गुड्स पहुंचाते हैं, पेमेंट वेमेंट आगे सब कुछ हो गया, अब बात की जो इंसेंटिव क्लेम करना हो वो एमईआई स्कीम हो जैसे, तो एमईआई तो भी करंटली है नहीं, तो आरओईटी स्कीम है, तो वो हमें चेक करना ऑनलाइन कि हाँ इसका स्कीम का हमें बेनिफिट मिला कि नहीं मिला है, ड्रॉबैक इसका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने शिपमेंट को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए किसी लाइसेंस के अगेंस्ट एक्सपोर्ट किए, तो वो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में शिपिंग बिल के शिपिंग बिल को डालना, तो ये सारी पोस्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी है जो गुड्स के डिस्पेच होने के बाद, सब कुछ होने के बाद होती है, ठीक है। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज होती है वो क्या क्या होती है और किस प्रकार से हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।